कोरोना महामारी के बीच छात्रों की पढ़ाई पर असर ना पड़े, इसको लेकर कंडाघाट स्थित दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल न केवल अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहा है, बल्कि उन्हें ऑनलाइन माध्यम से अन्य गतिविधियों में भी पारंगत कर रहा है। प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग से मिले दिशा निर्देशानुसार स्कूल प्रबंधन ने विशेष प्रबंध किए हैं। कंडाघाट स्थित दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल द्वारा गूगल मीट, व्हाट्सएप ग्रुप और जूम ऐप्स का इस्तेमाल कर पिछले 4 महीने से विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है और आधा सिलेबस पूरा भी हो गया है। स्कूल प्रशासन द्वारा आगामी 7 जुलाई से हाफ ईयरली एग्जाम आरंभ किए जाएंगे, जिन्हें ऑनलाइन माध्यम से पूरा करवाया जाएगा। इसके अलावा स्कूल प्रशासन द्वारा अक्टूबर तक सिलेबस पूरा कर नवम्बर माह में फाइनल एग्जाम आयोजित किए जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान वर्चुअल क्लासेस से बच्चों को हर गतिविधि से जोड़ा गया है और बीच बीच में अभिभावकों के साथ भी ऑनलाइन बैठकें की गई हैं। इसके अतिरिक्त ई फीडबैक फॉर्म में अभिभावकों ने अपने बहुमूल्य सुझाव भेजे हैं। स्कूल प्रशासन द्वारा न केवल पाठ्यक्रम ऑनलाइन करवाया जा रहा है, बल्कि 3री कक्षा से विभिन्न भाषाओं जिसमें संस्कृत, फ्रेंच की भाषा का भी ज्ञान बच्चों को दिया जा रहा है। कंडाघाट दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल रीना पांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज का समय समय पर उन्हें मार्गदर्शन मिलता रहा है, उसके अनुसार ही स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य किया जा रहा है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट, माननीय प्रदेश मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी एवं आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी का समय समय पर विद्यालय का मार्गदर्शन करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया करता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सब कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं, इसके बावजूद भी दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट लगातार ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, जैसे गूगल मीट, जूम ऐप, व्हाट्सएप के द्वारा समस्त विद्यार्थी वर्ग को पूर्ण पाठ्यक्रम एक निश्चित समय पर पूरा करवा रहा है। हाल ही में हम अर्धवार्षिक परीक्षाएं, हाफ ईयरली एग्जाम्स 7 जुलाई से शुरू करने जा रहे हैं, जिसके संदर्भ में समस्त पाठ्यक्रम पहले से ही पूरा करवाया गया है। इससे पहले भी हम सत्र 2020 और 21 में अप्रैल माह में हमने पीरियोडिक टेस्ट पूरा करवाया था और पेरेंट टीचर मीट भी ऑनलाइन करवाई गई थी, जो कि बहुत सराही भी गई। इसके अतिरिक्त ई फीडबैक फॉर्म्स जो हम पेरेंट्स को देते हैं और पेरेंट्स अपने बहुमूल्य सुझाव उसमें हमें लिख के भेजते हैं, जिससे कि हम अपनी वर्चुअल क्लासेस और बेहतरीन कर पाते हैं। भविष्य में भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम सितंबर में पीरियोडिक टेस्ट 2 को कंप्लीट कर पाएं और अक्टूबर में हम समस्त कक्षाओं का समस्त पाठ्यक्रम पूरा करवा के नवंबर में, क्योंकि हम एनुअल एग्जाम्स करवाने जा रहे हैं तो बच्चों को एक पर्याप्त समय मिल जाएगा एनुअल एग्जाम्स की रिवीजन करने के लिए। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट।